hello everyone so this facebook live as i promised i would be sharing my vision and mission behind better families and better india and the stories behind them especially so uh, the reason i did not incline myself too much towards you know better companies and better people and better leaders all comes after that बट द रीजन आई गॉट इंटरेस्टेड इन बेटर फैमिली इज लीडिंग टू बेटर इंडिया इज बिकॉज कहीं ना कहीं आज सबको एक फैमिली स्ट्रक्चर पे ही अटैक होता है सो so, कहीं ना कहीं अगर जैसे सपोजिंग कहीं पर प्रॉब्लम्स होते हैं अक्सर फैमिली में बिटवीन पेरेंट्स बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बिटवीन इन लॉज एंड वन ऑफ द स्पाउस और बिटवीन द डिफरेंट सिबलिंग्स इन अ फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर या दुनियावी कोई भी एक मटीरियलिस्टिक चीजों को लेकर हमेशा प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं बिजनेस में हो बाहर हो और जो करप्शन एक फैमिली में होता है उस उस fam, उस करप्शन का तो कोई लिमिट ही नहीं होता बिकॉज वी स्पीक ऑफ द करप्शन इन द कंट्री करप्शन इन द वर्ल्ड बट आई थिंक जितना करप्शन एक फैमिली में एक स्मॉल सर्कल में होता है उतना ज़्यादा करप्शन तो बाहर भी नहीं होता सो आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं ये करप्शन अगर फैमिली में इतने क्लोज सर्कल्स में इतने नोन पीपल में अगर बंद नहीं होता है तो अनोन और स्ट्रेंजर्स की तो हम बात ही नहीं कर सकते बिकॉज उसमें करप्शन एक नया लेवल का ही होता है दूसरा बात कि अगर हम जैसे अब फैमिलीज की बात करें तो फैमिली एक बहुत स्ट्रांग स्ट्रक्चर है इन द सेंस कि यू नो वी टॉक ऑफ जैसे बेटर पेरेंट्स अक्सर सबके लिए कस्टमर्स बन जाते हैं सो लेट्स देर इज अ लेटेस्ट प्रोडक्ट विच इज़ देर आउट इन द मार्केट अ लॉट ऑफ पीपल विल टारगेट यू नो अ फैमिली कि वो एक पूरा घर एक सिस्टम होता है जहाँ पे बिजनेस के तौर से एजुकेशन के तौर से चेंज के तौर से सब टारगेट करते हैं तो अगर जैसे एक ही फैमिली में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और uh, अलग अलग फैमिली मेम्बर्स अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे सो so देन एक मार्केट बन जाता है एक फैमिली के हिसाब से सेम वे यू नो पीपल थिंक ऑफ यू नो ऑल द वेज टू काइंड ऑफ जितना नोच सकें पेरेंट्स को आई उड से नोचना बिकॉज लिटरली पेरेंट्स आर लुक्ट अपॉन एज द वंस बाय स्कूल एंड बाय सिस्टम एज द वंस जिसको जितना आप निकाल सको उनके थ्रू निकालो बट दे डोंट रियलाइज के कितना स्ट्रेस और प्रेसर एक पेरेंट के लाइफ में होता है एंड देन दैट फैमिली वो पर, प्रेशर तो एक बाहर के साथ अंदर एक फैमिली स्ट्रक्चर में ही कितने प्रेशर्स होते हैं बिटवीन हजबैंड एंड वाइफ बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन बिटवीन डिफरेंट मेम्बर्स ऑफ द फैमिली बिटवीन डिफरेंट सिबलिंगस ऑफ द फादर एंड द मदर इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं एंड कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्सिटीज के पीछे बहुत कुछ जिनको हमको एड्रेस करना है सो लेट्स से जैसे कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज ऐसी होती हैं जहां हम सोचते हैं कि ये कॉम्प्लेक्सिटीज ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें हम बात करते हैं Uh, के प्रॉपर्टी को लेकर या फिर कौन आज ये जगह पे बैठेगा या ये करेगा या वो करेगा तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं मुझे बहुत ज़्यादा और जो छोटा छोटा बुरा लग जाना ईगो क्लैशेस होना मुझे ये सब बहुत अजीब लगने लगा और मुझे फिर एहसास हुआ कि कोई भी और फिर जब मैंने लो इनकम ग्रुप्स में जब वर्क किया वॉलन्टियरिंग के थ्रू एंड अलग अलग प्रोजेक्ट्स के थ्रू मुझे और ज़्यादा इस चीज़ का एहसास होने लगा कि Uh, कहीं ना कहीं जब पोअर पीपल के एजुकेशन सिस्टम को हम टैप करना चाहते हैं या लो इनकम में इम्पैक्ट दिखाना चाहते हैं एक अच्छा सा सिस्टम uh, बनाने के लिए उनके बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को लेकर चलना बहुत जरूरी है तभी वो एजुकेशनल जो इम्पैक्ट है और जो आउटकम है वो हम अचीव कर पाएंगे और हम उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे तो मैंने खुद की फैमिली में जब मेरे पेरेंट्स को स्पेशली माय फादर बीइंग सच अ फैमिली मैन माय मदर बीइंग सो फोकस्ड ऑन द फैमिली एंड यू नो कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा कि बचपन में मुझे जल्दी टाइम पे सुला देते थे मुझे सब चीज़ें इतना डिसिप्लिन के साथ बड़ा किया तो मुझे कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि एक अच्छी फैमिली का होना बहुत जरूरी है एक अच्छे बैकग्राउंड फैमिली के मतलब डिसिप्लिन और सिस्टम्स को खास करके बचपन में क्योंकि उससे एक इंसान का फाउंडेशन बनता है और अगर उसमें कुछ चीज़ें कभी गलत होती हैं बट कई सही भी होती हैं और काफ़ी हद तक पेरेंट्स अगर ट्राई करते हैं तो सही भी होती हैं विच आई सी इन इन द केस ऑफ़ माई पेरेंट्स और कहीं ना कहीं मैंने अपने नाना जो हैं मेरे मॉम uh, के जो फादर हैं मैंने उनको हमेशा बहुत अडमायर किया है बिकॉज वो प्रोफेशनली पर्सनली हर तरह से वो एक मेरे लिए एक एक एग्जाम्पल और रोल मॉडल हैं क्योंकि मुझे यह भी चीज़ का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं फैमिली की लेगेसी uh, मुझे हमेशा कायम करनी थी बिकॉज इन माय मटर्नल साइड मेरी नानी के साइड से आई सी यू नो माय नाना एंड हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स हैविंग वेरी वर्क हैविंग वर्कड वेरी हार्ड कि वो सोशल चेंज और इम्पैक्ट इन अ डिफरेंट वे ला सके and understanding all strata's of society very effectively at the same time you know raising family well having the right you know kind of you know focus and this was primarily in maharashtra and gujarat and then i thought of my own family you know when it came to bengal and uh, गुजरात पार्टली एज वेल वेयर फ्रॉम माई पर्टर्नल साइड मैंने देखा कि फ्रीडम फाइटर यू नो मूवमेंट देशभक्ति पेट्रोटिज्म लीडरशिप एंड डोनेशन एंड चैरिटी एंड इतना ज्यादा गरीबों में और ऑर्फनेजेस में उनका जो इंटरेस्ट था माइंड सेट था विजन था और रीडिंग लिटरेरी को लेकर तो ये सब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आई एम अ गर्ल सो आई के नॉट कंटिन्यू द नेम ऑफ द फैमिली यू नो दैट वे तो मुझे एहसास हुआ तो क्या हुआ अगर मैं फैमिली का नेम और उस लेगेसी को उस तरह अगर मैं लड़का

ज्यादा मेन की ग्रूमिंग पे फोकस हो तो कहीं ना कहीं यू नो एक फैमिली सही बन सकती है एंड दैट इज वाई मेरा जो काफी हद तक काम है आई एम ट्राइंग टू ग्रूम इन बॉयज इंटेलेक्चुअली पर्सनली प्रोफेशनली इनके अगर माइंड पे हम सही काम कर पाए इनको हम सही विजन दिखा पाए इनको हम सही फोकस दिला पाए इनको हम सही तरह से समझ पाएं तो कहीं ना कहीं ये जब फादर्स बनेंगे तो वो अपने बच्चों को समझेंगे वो बिजनेस बनेंगे तो वो अपने इम्प्लॉयज को समझेंगे कोलाबरेटर्स को समझेंगे कहीं ना कहीं है, अगर जब हस्बैंड बनेंगे तो अपने वाइफ को समझेंगे वो सन्स है तो अपनी माँ को समझेंगे अपने फैमिली स्ट्रक्चर्स को स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे और बिजनेस स्ट्रक्चर्स को भी और इसी तरह से एक क्योंकि दो बड़े एरियाज टेकन केयर हो जाएंगे फैमिली एंड कॉरपोरेट्स और कहीं ना कहीं यू you नो know, जब ये सपोर्ट एक गवर्नमेंट को मिलता है जहां पे एवरीबडी इन द स्मॉलेस्ट सोशल स्ट्रक्चर्स आर टेकिंग केयर ऑफ दम तो कहीं ना कहीं बिग पिक्चर में बड़े प्रॉब्लम तो सॉल्व होने ही लगेंगे और ये मैंने अक्रॉस स्टार्टर्स ऑफ सोसाइटी मेरा प्लान ऑफ वर्क में ध्यान में रखा है कि कहीं ना कहीं हर सेगमेंट को पेरेंट्स को यू कॉन्ट सेग्रीगेट फ्रॉम चिल्ड्रन अगर हम सोचते हैं कि पेरेंट्स पे बच्चों पे हम सिर्फ काम करेंगे और पेरेंट्स के जो वरीज हैं चैलेंजेस हैं स्ट्रगल्स हैं उनके फीडबैक को हम नहीं केटर करेंगे लाइक लॉर्ड ऑफ स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स डू वी विल नेवर बी एबल टू इम्पैक्ट चिल्ड्रन प्रोपरली पेरेंट्स आर वेरी इंटीग्रल दैट वे कि वो जानते हैं अपने बच्चों को दे विल समाइम्स मेक मिस्टेक्स इन द वे दे प्रोडिक्ट अ चाइल्ड और दे लुक एट अ चाइल्ड बट उससे एटलीस्ट अगर आप एक ओपन माइंडेड लीडर हैं पर्सन हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो आइडिया और वे ऑफ ऑब्जॉर्बिंग वो इंफॉर्मेशन रहेगा वो हेल्प करेगा ही करेगा आपके बच्चे को और उस बच्चे को आगे ले जाने में सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अगेन वैन आई थिंक ऑफ बेटर फैमिलीज बेटर इंडिया कहीं ना कहीं मैंने देखा कि यू नो बेटर फैमिलीज़ बेटर इंडिया में आप अगर बच्चे पे ज़्यादातर चेंज लाएंगे अगेन दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द लो इनकम ग्रुप लेकिन उनके पेरेंट्स का कोऑपरेशन उनको घर में नहीं मिला उनकी सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है या उनके दूसरे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स बेसिक बट स्ट्रॉग प्रॉब्लम्स और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं तो कहीं ना कहीं हर एक स्टार्टा के हिसाब से प्लान हैव टू बेड प्रोजेक्ट्स हैव टू भी मेड सिस्टम्स हैव टू बी डिवाइज्ड एंड अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंटेड कीपिंग एन माइंड के ऑन द गोज को इम्प्रूव करना है एंड नॉट टू कीप इट वेरी रिजिड एंड स्टैंडर्डाइज बट टू बी एबल टू कीप इट फ्लेक्सीबल एंड कस्टमाइज्ड एज मच एज पॉसिबल क्योंकि चेंज जो है इस कंट्री का हमारे इंडिया में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फैमिली स्ट्रक्चर्स बहुत ही स्ट्रांग है यू के नॉट निगलेक्ट दी एल्डरली टोटली कि वो उनको ओल्ड एज होम में डाल दिया जाए और फिर इधर अपने लाइफ के हिसाब से सब जी रहे हैं एंड दे डोंट इवन केयर अबाउट वट्स हैपनिंग टू द रेस्ट एंड वॉट्सिंग टू द चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन को अपने हवाले मतलब अपने हिसाब से छोड़ दिया नो एवरीबडी हैज़ टू गोट टूगेदर एंड द ब्यूटी ऑफ अर कंट्री इज दैट हमारे सोशल स्ट्रक्चर में हमारे बुजुर्ग हैं हमारे एल्डर्स हैं हमारे बच्चे हैं हमारे मिडल एज के लोग हैं सब एज के एक साथ मिलकर अक्सर रहना पसंद करते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज बट कीपिंग इन माइंड द पिक्चर एट लार्ज आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे पास रिस्पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और मेरा विजन जो वर्क ऑफ ऑपरेश वर्क है जिस तरह से मैं ऑपरेट करना चाहती हूँ जिस तरह मेरे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं जिस तरह मेरा कोर स्ट्रैटेजीज है इट्स ऑल अराउंड सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ अ बेटर फैमिली बिकॉज कहीं ना कहीं अगर, अगर आप फैमिली स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ज्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं यू नो एक एक बच्चा जो घर में बड़ा हो रहा है वो डिस्टर्ब होकर बड़ा होगा सो ऑल माई प्लान एंड प्रोजेक्ट्स एंड आइडियाज आर अराउंड स्ट्रेंदनिंग द फाउंडेशन ऑफ फैमिली

बनाए पड़ते हैं देन ऑल दिस विल बी अराउंड इट

But I need to have that vision. Unless I have it and unless I work with that vision in mind, I don't think I'll be able to see the light of the day and to be able to say that I tried my best at least. So. Very important message to all of you is that I am looking at families as my core, and family is important to me. Therefore, I feel that yes, how can I give back? Aaj, agar mujhe legacy karni hai, then I don't just want to build a legacy for myself, I want to build a legacy for the ancestors who God blessed me with, and I need to do justice to them and whatever they were blessed with and take it to the next level. same thing, you know, when we speak of the country's legacy, all our freedom fighters and all the people who had a dream and vision for india, they put in so much hard work. it's time to take that level of that legacy to the next level. and same thing with our families. as parents, you know, our parents have invested so much in us, and it's time we give back to them in ways bigger than they could have ever imagined and take their legacy to the next level. and of course, humanity deserves the best. Sahar, sahar mein alag alag problems hote, challenges hote.

दैट सो कहीं ना कहीं मेरा ये जो पूरा ड्रीम ऑफ विजन जो बना ओवर अ पीरियड ऑफ वन एंड हाफ इट वॉज मोस्टली अबाउट मेकिंग फैमिली लाइफ बेटर मोर इजियर मोर स्मूदर एंड

i i respect that i am grateful for all of this trust and all the new things that i get to learn as a result of collaborating with parents collaborating with corporates collaborating with leaders across the country and all the organizations that i am partnering with in different capacities across different domains so thank you so much for all the trust i look forward to constantly receiving feedback in personal space so that jitna aap mujhe personally apne problems ko samjhayenge batayenge, mujhe aur zada idea or insight aega. कि मुझे कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और क्या मेहनत करनी है क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान देना है कैसे टाइप के बेटर प्रोग्राम्स बनाने हैं सो दैट आई कैन सर्व माई इंडिया बेटर सो दैट आई कैन सर्व द फैमिलीज इन इंडिया बेटर जय हिंद